वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो इन द सीरीज ऑफ सेट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेट थ्योरी चैप्टर। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस करा था कि सेट क्या होता है, सेट के प्रेजेंटेशन कैसे डिफाइन करते हैं, सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिफाइन करा था कि हम रियल नंबर के जो सबसेट्स इंटरवल होते हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं। सो नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। बेसिकली ये टॉपिक आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके जो भी बर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो सभी इन ऑपरेशंस पर ही बेस्ड होते हैं, और आईआईटी जेई एग्ज़ाम में भी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं ऑपरेशन पर बेस्ड होते हैं। सो बिफोर डिफाइनिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ सेट थ्योरी, इसमें आपका एक फंडामेंटल हम और डिफाइन करेंगे, दैट इज़ वेन डायग्राम। तो बेसिकली वेन डायग्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उसके बाद जितने भी हमारे पास सेट्स होंगे उन सभी सेट्स को हम यहाँ पर एक सर्कल से डिफाइन करते हैं। जो भी हमारा पर्टिकुलर सेट होगा उसके सेट के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर सर्कल के अंदर रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन करा है सेट ए। तो सेट ए में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो इस सर्कल के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हम ज़रूरी नहीं कि वेन डायग्राम में आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर एक ही सबसेट हो, बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर द एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सर्कल से एक सेट ए को डिफाइन करा है, और जो आपका यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है उसको हमने डिफाइन करा है यहाँ पर रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पर यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेसिकली दिस वन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। तो इस वेन डायग्राम को हम अपने ऑपरेशंस में यूटिलाइज करेंगे। सो बेसिकली द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑन सेट्स आर द फॉलोइंग। सबसे पहले इसमें आपका होता है यूनियन ऑफ सेट्स, देन इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। एक एक करके हम इनको डिफाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यूनियन का मीनिंग कलेक्शन, सबका एक साथ कलेक्शन। तो बेसिकली यूनियन ऑफ सेट्स में हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जितने भी सेट्स अलग अलग गिवन होंगे उन सभी सेट का कॉम्बिनेशन, उन सभी सेट का कलेक्शन। डिफाइन हम इसको कैसे करते हैं? सो यूनियन ऑफ सेट्स इज डिफाइंड एज सेट ऑफ एलिमेंट्स ईदर इन वन और इन ऑल सेट्स और मोर देन वन सेट्स। जब हम यहाँ पर सेट का यूनियन डिफाइन करेंगे सो बेसिकली यूनियन में आपके वो सभी एलिमेंट होंगे जो किसी इंडिविजुअल सेट्स में आ रहे हैं या फिर मोर देन वन सेट्स में आ रहे हैं या फिर सभी सेट्स में आ रहे हैं। मींस आपके जितने भी सेट्स हैं उन सभी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आपकी यूनियन में इंक्लूड होंगे। तो आप यहाँ पर अगर हम इसको वेन डायग्राम से यहाँ पर देखें सबसे पहले, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करा है यहाँ पर यू से। जो आपका यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे यू से। देन इसके बाद हमने यहाँ पर दो अलग अलग सेट लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी, और यहाँ पर इसको हमने डिनोट करा है दिस वन इज़ सेट ए एंड दिस वन इज़ सेट बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यूनियन को हम यहाँ पर नोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे किया जाता है। सो दिस वन इज़ द सिंबल, यहाँ पर ये यह आपका यूनियन का सिंबल है, दिस वन इज़ ए यूनियन बी। ये आपका यहाँ पर यूनियन का सिंबल होगा ए यूनियन बी, और हम हमेशा जब भी सेट का यूनियन डिफाइन करेंगे इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर टू सेट, सेट ए और सेट बी की बात कर रहे हैं, तो सेट ए और सेट बी का यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। सो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो ए यूनियन बी में आपके वो सभी एलिमेंट होंगे जो या तो ए में एग्जिस्ट कर रहे होंगे या फिर बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपके इन सभी एलिमेंट को हम कंसिडर कर लेंगे। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपका एक्स कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में एग्जिस्ट कर रहा है, ए यूनियन बी में है, तो वो एलिमेंट या तो ए में एग्जिस्ट कर रहा होगा या फिर बी में एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। सो दिस वन इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हैं वो आपके वन टाइम ही आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इनका कॉमन एरिया देखें सेट ए सेट बी के लिए, तो ये आपका जो यहाँ पर कॉमन एरिया दिख रहा है इसको हम टू टाइम्स नहीं लिखेंगे, इसको हम एक ही बार डिफाइन करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया सेट ए, और यहाँ पर आपको सेट ए के जो एलिमेंट गिवन हैं दे आर 3, 4, 5, 6, एंड आफ्टर दैट वी हैव टेकन वन मोर सेट, सेट बी। सेट बी को हमने यहाँ पर ले लिया 4, 6, 8 एंड 10। तो अगर हमें यहाँ पर इनका यूनियन डिफाइन करना है तो यूनियन कैसे डिफाइन करेंगे, हम इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट को यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर सेट ए में आपका एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, हमने यहाँ पर लिख दिया 3, 4, 5, 6, और सेट बी के जब एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे तो 4 और 6 आपका यहाँ पर कॉमन एलिमेंट हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट हैज़ नो मीनिंग।
किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हम सेट में, एक एलिमेंट को एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 और 6 यहाँ पर आपका कॉमन आ रहा है, तो इसको हम वन टाइम ही डिफाइन करेंगे। सो अब यहाँ पर देखिए सेट बी में आपका 8 और 10 ये आपके एडिशनल एलिमेंट हैं, तो इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को स्टडी करें तो यहाँ पर आपके वो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं जो एलिमेंट या तो ए में है या फिर बी में है। गेटिंग? तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स यहाँ पर ऐसा एलिमेंट होगा यूनियन में जो या तो ए में बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा। सो दिस वन इज़ द यूनियन ऑफ सेट्स। सो इसके बाद नेक्स्ट वन आपका ऑपरेशन होता है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मीनिंग यहाँ पर होता है कॉमन। हमारे पास जितने भी सेट्स गिवन हैं, 2 सेट्स और मोर देन 2 सेट्स, उन सभी सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स आपके कॉमन हैं सारे सेट्स में जो आ रहे हैं, उन सभी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ऑल द गिवन सेट्स, हमें जितने भी सेट गिवन हैं उन सभी सेट में जो भी एलिमेंट्स आपके कॉमन हैं, दे आर कंसिडर्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या होता है, हम केवल कॉमन एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। कैसे इसको डिनोट करते हैं, ये आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन का नोटेशन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि यूनियन का जो नोटेशन था उसका यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। सो दिस वन इज़ द नोटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर देखिए यूनियन में हमने और यूज़ करा था कि या तो ए में होगा या फिर बी में, बट यहाँ पर हमने एंड यूज़ करा, मीन्स एक्स एलिमेंट अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, सेट ए सेट बी के इंटरसेक्शन में आ रहा है, इट मीन्स आपका ये ए में भी होना चाहिए और ये बी में भी होना चाहिए। जब तक ये दोनों सेट में नहीं होगा तब तक ये एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो व्हाट इट मीन्स, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स डबल इम्प्लाइज दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स यहाँ पर ए में भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। ए और बी दोनों में इसका कंपलसरी होना है, तभी यहाँ पर ये इसके इंटरसेक्शन में डिफाइन होगा। वेन डायग्राम से इसको हम यहाँ पर देखेंगे। वेन डायग्राम में देखिए हमने यहाँ पर 2 सेट डिफाइन किए हैं, सेट ए सेट बी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है दोनों सेट में, उसको हमने यहाँ पर ब्राउन कलर से डिफाइन करा है। इट मीन्स आप यहाँ पर देखिए ये जो आपका यहाँ पर ब्राउन कलर का पोर्शन है या फिर जो आपका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप इंटरसेक्शन जो हमने डिफाइन करा है, इसको हमने लाइन से कट भी करा है। ये आपका यहाँ पर सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे यूनिवर्सल सेट। सो दिस वन इज़ द यूनिवर्सल सेट। ये आपका यहाँ पर हो गया सेट ए सेट बी। इन दोनों सेट में जो आपका कॉमन पोर्शन है, जो पोर्शन दोनों ही सेट में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, वो आपका क्या कंसिडर होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर आप जो ऑरेंज कलर का पोर्शन देख रहे हैं ये यहाँ पर आपका डिफाइन कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। बेसिकली वेन डायग्राम से ही हमें ये क्लियर होगा सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सेट में। अब यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि हम यहाँ पर इंटरसेक्शन 2 सेट के लिए ही फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन मोर देन 2 सेट्स के लिए भी हो सकता है। हमारे पास जितने भी सेट्स होंगे उन सभी सेट में जो आपका कॉमन पोर्शन होगा सारे सेट में, दैट विल ट्रीटेड एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर करा है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 7, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और सेट बी को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसमें आपके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 7, 8। इन दोनों सेट्स में आपके कॉमन एलिमेंट यहाँ पर चेक करिए तो दोनों ही सेट में आपका कॉमन 2 आ रहा है, 2 एलिमेंट आपका दोनों सेट में है, 4 एलिमेंट भी आपका दोनों सेट में है और 7 एलिमेंट भी दोनों सेट में है। इट मीन्स व्हाट वी कैन से, ए इंटरसेक्शन बी इट इज़ गिवन एज 2, 4, 7। तो ए इंटरसेक्शन बी सेट्स में आपके यहाँ पर 2, 4, 7 एलिमेंट आएंगे, मीन्स ये तीनों एलिमेंट आपके दोनों सेट में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट आपको क्लियर हो गया, यूनियन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। 2 सेट्स अगर हमें गिवन हैं तो उसका डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ओनली। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सेट से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स में केवल वो एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो केवल फर्स्ट सेट में ही एग्जिस्ट कर रहे हों, सेकंड सेट में या फिर उनके इंटरसेक्शन में ना हो। तो इसके नोटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका नोटेशन क्या होगा, ए माइनस बी। जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे कोई भी 2 सेट के लिए, सो इट इज़ डिनोटेड एज ए माइनस बी। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे,
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में वही एलिमेंट कंसिडर होंगे जो यहाँ पर फर्स्ट सेट से तो बिलोंग करेंगे लेकिन सेकेंड सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके ए माइनस बी या डिफरेंस ऑफ सेट्स में वो सभी एलिमेंट आएंगे, दे मस्ट बी ओनली इन ए, वो केवल पहले सेट में होंगे, केवल ए में होंगे, बी में नहीं होंगे। तो ऐसे सभी एलिमेंट जो ए में हैं और बी में नहीं हैं वो सब आपके ए माइनस बी में कंसिडर होंगे। सो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इफ एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, अगर आपका कोई एलिमेंट एक्स ए माइनस बी में एग्जिस्ट कर रहा है, ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वो आपका ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। इट बिलोंग्स टू ए बट इट डजेंट बिलोंग्स टू बी, वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। अब इसको आप वेन डायग्राम से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है जो आपका यहाँ पर शेडेड पोर्शन है या जो आपका कलर्ड पोर्शन है वो आपका यहाँ पर ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये आपका जो शेडेड पोर्शन है वो केवल ए में आ रहा है, ना तो वो आपका यहाँ पर बी में आ रहा है ना इन दोनों के कॉमन पोर्शन में आ रहा है। बेसिकली ये आपका क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन, ये आपका बी है और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम यहाँ पर बी माइनस ए की बात करेंगे, अगर हमें यहाँ पर बी माइनस ए डिफाइन करना हो तो ये जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन जो आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन के अपोजिट साइड है, तो ये पोर्शन यहाँ पर आपका डिफाइन करेगा दैट इज़ गिवन एज ऑफ कोर्स बी माइनस ए। ये आपका यहाँ पर जो कलर्ड पोर्शन है ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा और बियॉन्ड द इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है और ए माइनस बी को हटाकर जो आपका यहाँ पर पोर्शन बचेगा, दिस पोर्शन इज कंसिडर्ड एज बी माइनस ए। सो दिस वन इज बी माइनस ए एंड दिस इज ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ए माइनस बी नेवर इक्वल टू बी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए यहाँ पर इक्वलेंट नहीं होंगे। ए माइनस बी आपका ये वाला पोर्शन है जो शेडेड पोर्शन है, डार्कन पोर्शन है, कलर्ड पोर्शन है, और ये आपका बी माइनस ए यहाँ पर होगा। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से डिफाइन कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव टेकन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर टू सेट्स डिफाइन किए हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 6 एंड बी इज इक्वल टू वी हैव टेकन 1, 2, 4, 8। तो यहाँ पर अगर हम ए माइनस बी को फाइंड करेंगे तो केवल हम यहाँ पर ए माइनस बी में वो एलिमेंट लेंगे जो केवल और केवल ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 आपका दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा, दोनों में कॉमन है। 3 एंड 6 ये आपके ऐसे दो एलिमेंट हैं जो केवल और केवल ए में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ए माइनस बी का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, 6। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू, पहले हम ए का वैल्यू पुट कर देंगे 1, 2, 3 एंड 6, माइनस ऑफ बी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 1, 2, 4 एंड 8। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर 1, 2 एलिमेंट है ये तो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है और 3, 6 एलिमेंट केवल आपका ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, 6। और अगर हम यहाँ पर बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस ए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स यहाँ पर 4, 8 एलिमेंट केवल बी में एग्जिस्ट कर रहा है, ए में नहीं है। तो बी माइनस ए यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, 8। इस तरीके से हम यहाँ पर दो सेट का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ए माइनस बी यहाँ पर होगा 3, 6 और बी माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा 4, 8। सो दिस वन इज़ द थर्ड ऑपरेशन, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सो नेक्स्ट वन ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये ऑपरेशन एक ही सेट पर अप्लाई किया जाता है, इसमें हमें टू सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज यूरिनरी सेट। जैसे आपके अभी हमने प्रीवियस जो ऑपरेशन कंसिडर करे उसमें हमें एटलीस्ट टू सेट की रिक्वायरमेंट हो रही थी, तो वो सभी ऑपरेशन आपके थे बाइनरी ऑपरेशन। बट ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ये आपका होता है यूरिनरी ऑपरेशन, मीन्स हम यहाँ पर इसको एक ही सेट पर अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मीनिंग होता है कि हमने अगर यहाँ पर कोई सेट ए ले लिया है तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा उस यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए के सारे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अलग कर देंगे। तो जो भी एलिमेंट्स हमारे पास रह जाएंगे दे आर कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मीन्स हम किसी सेट ए में अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को कम्बाइंड कर दें, ऐड कर दें, तो वो यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। अगर हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं सो इट विल बी सेट ऑफ एलिमेंट्स,
उन सभी एलिमेंट्स का, यूनिवर्सल सेट के उन सभी एलिमेंट का सेट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जिसमें आपके उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट नहीं होंगे जिसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। सपोज दैट अगर हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए के एलिमेंट को अलग कर देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिल जाएगा। इसका नोटेशन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर। जैसे हम कोई सेट ए ले रहे हैं तो ए डैश दैट इज डिफाइंड एज नोटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, इसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सेट ए के लिए। और इसका मीनिंग क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए। जैसा हमने डिफाइन किया है कि आपका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम उस पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर दें, दैट इज डिफाइंड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हम ये भी कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट टू द गिवन सेट इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम उस सेट के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे, हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू यूनिवर्सल सेट बट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आपके वो सभी एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट से तो लाई करेंगे, यूनिवर्सल सेट में तो होंगे बट ए में नहीं होंगे। मीन्स जिस सेट का भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, उसी पर्टिकुलर सेट के किसी भी एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इट कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एट डजेंट बिलोंग्स टू ए। एक्स आपका यू से बिलोंग करेगा सच दैट, इस तरीके से कि एक्स आपका ए में ना हो। मीन्स एक्स हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट ले लेंगे जो आपके ए में ना हो। डायग्राम से देखिए बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, हमने यहाँ पर जो डार्क पोर्शन शो करा है ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। इट मीन्स जो आपका यूनिवर्सल सेट था, जो आपका होल रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल में से हमने सेट ए को अलग कर दिया। जो आपका यहाँ पर प्लेन पोर्शन है, जो वाइट पोर्शन है, अगर हम उसको हटा दें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो भी बचेगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की बात करेंगे तो ये यह आपका यहाँ पर हो गया यूनिवर्सल सेट, दिस वन इज ए एंड दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा, गेटिंग। सो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज इफ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, अगर आपका एक्स एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो आपका ए में नहीं होगा। मीन्स एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, या तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा या फिर उसके सेट में, दोनों में लाई नहीं कर सकता है। एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर ए में नहीं होगा, अगर वो ए में है तो फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में भी हो और उस सेट में भी हो, इट नेवर बी पॉसिबल। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको डिफाइन करेंगे। सो हेयर वी हैव गिवन, हमने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर करा है और इसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने एक रैंडम यहाँ पर एक सेट ले लिया है, इसको हमने यूनिवर्सल सेट कंसिडर करा है और हमने यहाँ पर टू सेट और डिफाइन किए हैं, सेट ए दैट इज 1, 2, 3, 4 और बी है आपका यहाँ पर 2, 4, 6, 8। सो जब हम यहाँ पर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम यूनिवर्सल सेट के साथ सेट ए का डिफरेंस ले लेंगे, मीन्स यू माइनस ए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए के सारे एलिमेंट को रिमूव कर देंगे तो हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मिल जाएगा। तो सेट ए में आपके एलिमेंट्स यहाँ पर हैं 1, 2, 3, 4, मीन्स यूनिवर्सल सेट से हमने 1, 2, 3, 4 को अगर रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में आपके एलिमेंट क्या आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट टू द सेट बी। सो यू माइनस बी दैट इज गिवन एज, अब हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट से सेट बी के सारे एलिमेंट को रिमूव करेंगे। सो सेट बी के एलिमेंट यहाँ पर क्या है, 2, 4, 6, 8। तो हमने यूनिवर्सल सेट से जब 2, 4, 6, 8 को रिमूव करा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, 3, 5, 7, 9। सो बेसिकली दीज आर द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग कि जब हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो फिर हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होना चाहिए। जब तक हमें यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं होगा हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज़, एक और आपका यहाँ पर छोटा सा ऑपरेशन होता है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मीन्स ऐसा सेट्स जिसमें आपका कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो डिसजॉइंट सेट्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पर अगर हमारे पास दो अलग अलग सेट डिफाइंड हैं
तो ऐसे दो सेट्स को हम यहाँ पर डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। सेट्स हैविंग नो एलिमेंट कॉमन, क्लियर? मतलब हमारे पास ऐसे सेट्स यहाँ पर होंगे, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट कॉमन, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उन्हें हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो यहाँ पर आप डायग्राम में अगर देखें, हमने यहाँ पर दो सेट्स अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए यहाँ पर आपको दिख रहा है पिंक कलर से डिफाइन हुआ है और बी आपका येलो कलर से, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों सेट में आपका कोई भी पार्ट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर सेट ए सेट बी कम्प्लीटली डिसज्वाइंट है, एक दूसरे से डिसकनेक्ट हैं, तो ये आपके कहलाएंगे डिसज्वाइंट सेट्स, ऐसे सेट्स जो आपस में ज्वाइंट ना हो, जिसमें आपका कुछ भी कॉमन ना हो। तो डिसज्वाइंट सेट्स के लिए आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, इफ़ दे आर डिसज्वाइंट, अगर वो दोनों डिसज्वाइंट हैं, इट मीन्स उन दोनों में जो आपका कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा, फाई, एम्प्टी सेट। मीन्स अगर सेट ए सेट बी का इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट आता है, एक वॉइड सेट आता है, तो फिर आपके वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसज्वाइंट सेट्स। तो हम यहाँ पर अगर इसको एक एग्जांपल से डिफाइन करें, हमने यहाँ पर दो सेट ले लिए हैं, लेट सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और सेट बी के एलिमेंट हमने यहाँ पर लिए हैं 8 9 10 एंड 11। तो जब हम यहाँ पर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में, मीन्स इन दोनों में आपका, इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो हेयर वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी दैट इज़ गिवन एज फाइव, मीन्स यहाँ पर इन दोनों सेट के लिए जो आपका इंटरसेक्शन होगा वो एक एम्प्टी सेट्स होगा। हैंस सेट ए एंड सेट बी आर, दे आर कम्प्लीटली डिसजॉइंट, सो दे आर कंसिडर्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद एक छोटा सा ऑपरेशन हम यहाँ पर और देखेंगे, तो आपके सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वन ऑपरेशन इज दैट इज़ गिवन एज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बेसिकली द सिमेट्रिक डिफरेंस इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट से रिलेटेड होता है। अभी हमने प्रीवियसली डिफाइन करा था कि ए माइनस बी और बी माइनस ए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास टू सेट हैं, सेट ए सेट बी, तो अगर हम केवल वो एलिमेंट लेते जो केवल ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके ए माइनस बी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम केवल वो एलिमेंट लेते हैं जो केवल बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके बी माइनस ए को डिफाइन करेंगे। सो अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों का जो यूनियन होगा दैट विल बी द सिमेट्रिक डिफरेंस, और ये भी आपका एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेट विद द सेकेंड एंड सेकेंड सेट विद द फर्स्ट। इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि आपका ये मोस्टली बुक में गिवन नहीं होता है, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स एलिमेंट ऑफ यूनियन ऑफ डिफरेंस, एलिमेंट ऑफ यूनियन ऑफ डिफरेंस, किसका यूनियन हम यहाँ पर ले रहे हैं, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेट विद सेकेंड। फर्स्ट सेट विद सेकेंड मीन्स अगर हमारे पास टू सेट हैं, तो फर्स्ट सेट विद सेकेंड क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये आपका हो गया डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेट विद सेकेंड, एंड सेकेंड सेट विद फर्स्ट क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, सेकेंड सेट विद फर्स्ट। तो ए माइनस बी आपका हो गया, हमने फर्स्ट सेट का सेकेंड सेट के साथ डिफरेंस लिया है, और बी माइनस ए आपका हो गया यहाँ पर सेकेंड सेट का फर्स्ट सेट के साथ डिफरेंस। जब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ कंसीडर्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस। नोटेशन सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम सेट ए सेट बी का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सिंबल बना देते हैं, और ये सिंबल आपका कहलाता है डेल्टा। तो ए डेल्टा बी ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस। सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दैट इज गिवन एज ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। मीन्स यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है या फिर बी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है, ऐसे एलिमेंट के सेट को हम यहाँ पर बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डेल्टा बी, इट मीन्स या तो आपका एक्स ए माइनस बी में लाई करेगा या फिर एक्स आपका बी माइनस ए में लाई करेगा। तो इसको आप यहाँ पर डायग्राम से देखिए, यहाँ पर देखिए हमने दो सेट लिए हैं, सेट ए और सेट बी, ये आपका कम्प्लीटली जो फर्स्ट सर्किल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकेंड सर्किल है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका जो शेडेड पोर्शन है, जो कलर्ड पोर्शन है, जो ऑरेंज पोर्शन है, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है ए माइनस बी। ऑफकोर्स केवल वो पोर्शन जो केवल ए में एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका ए माइनस बी कहलाएगा, और ये जो आपका यहाँ पर ब्लूइश पोर्शन है, जो ब्लू कलर का पोर्शन है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बी माइनस ए।
अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो वो आपका डिफाइन करेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो इन दोनों का हमने यूनियन यहाँ पर ले लिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर करा है। सो लेट ए इज इक्वल टू, वी हैव टेकन 2, 4, 6, 8 एंड वी हैव टेकन बी, बी को हमने लिया यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो अगर हम यहाँ पर ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, वो एलिमेंट जो केवल और केवल ए में है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 ये तो आपका दोनों में कॉमन है, 6 और 8 ये केवल आपका ए में डिफाइन हो रहा है, ए में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा 6, 8। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बी माइनस ए डिफाइन करेंगे तो बी माइनस ए आपका क्या हो जाएगा 1, 3, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 एलिमेंट केवल और केवल बी में है, ए में नहीं है। ओके, सो बी माइनस ए आपका हो जाएगा 1, 3। तो जब हम यहाँ पर दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करेंगे सेट ए सेट बी का, सो दैट इज गिवन एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, दैट इज ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। ए माइनस बी और बी माइनस ए का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो वो आपका कहलाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी आपका हो जाएगा 6, 8 यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा 1, 3। सो इन दोनों का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे दैट इज गिवन एज 1, 3, 6, 8। तो यहाँ पर ये 1, 3, 6, 8 यहाँ पर डिफाइन करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सो स्टूडेंट्स, ये सारे ऑपरेशन आपके डिफाइंड होते हैं यहाँ पर सेट थ्योरी के लिए। एंड इफ अगर आपने सारे ऑपरेशन अच्छे से कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जो भी फर्दर वीडियोज़ हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएगा।